हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीड्स पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं मेला महोत्सव और प्रदर्शनी 2023 का। चलिए फिर हम आज देखते हैं आज का क्लास पार्ट 5 के रूप में गान नगाई त्योहार। ये मणिपुर में मनाया गया और ये त्योहार फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, यानी वार्षिक फसल जो होता है उसको काटने के बाद ये त्योहार मनाया जाता है। तो पूछेगा गान नगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। अगला है अक्टूब 2023 फेस्टिवल। ये 3 जनवरी से 6 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु में मनाया गया और इसका जो होता है कि ये भी तमिलनाडु का और ये गान नगाई और आपको ये दोनों त्योहार जो है बहुत महत्वपूर्ण तमिलनाडु के हो सकते हैं। साड़ी महोत्सव विरासत। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की हाथ से बुनी हुई 75 साड़ियों का उत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए। पूछेगा साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ मनाया गया, तो नई दिल्ली में मनाया गया। गान नगाई त्योहार मणिपुर में मनाया गया, अक्टूबर 2023 ये तमिलनाडु में मनाया गया, साड़ी महोत्सव विरासत ये भारत के राजधानी नई दिल्ली में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 8 दिसंबर 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन साबरमती विरम फ्रंट पर किया गया। इस महोत्सव का जो थीम था G20 का जो थीम था वही इसका थीम था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित है। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो हमारा जवाब होगा गुजरात में। इरप्पा महोत्सव इमोनी इरप्पा महोत्सव इमोनी दिवस मणिपुर में मेतई संस्कृति अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए इमोनी इरप्पा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हमारा जवाब होगा मणिपुर में। अगला जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ के छेरा छेरा उत्सव मनाया। पूछा जाए छेरा छेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो हम बताएंगे छत्तीसगढ़ में कहाँ किस मठ में मनाया गया, तो दूधाधारी मठ में मनाया गया।